मेहंदी मेहंदी मेरी छूट गई यार, थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं, बहुत सारा काम पड़ा है, काम कर लेते हैं। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए। आप सबका वेलकम है ब्लॉग विद सुनीता में, मैं खुद सुनीता। तो आप लोग जरूर बताइएगा आपकी करवा चौथ की कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से एंड मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और आप लोग कैसी कैसी तैयारी कर रहे हो और कैसे कैसे पूजन होता है जरूर कमेंट में बताइएगा। और मेरे कैसे होता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, अभी बेड वगैरह साफ कर लिया है मैंने। ये दीवार में हर एक वीडियो में बताती हूँ, मुझे बहुत बुरी लगती है, दिख जाती है यार, क्या करूँ। गुड़िया बहुत ज़्यादा रो रही है, तो अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है, बच गए हैं 10। गुड़िया बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है जब से मैं घर से आई हूँ। तो चलो बच्चे के साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम भी करते जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और हमारे कच्चा खाना पक्का खाना दोनों ही बनता है। तो चलो पहले मैं अपने घर की डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर मैंने क्या क्या बनाना है फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, है ना। ये तेल गर्म होने रख दिया है, ये मैं कढ़ी बना रही हूँ पूजा के लिए। हमारे यहाँ कढ़ी चलती है, तो ये है मीठा पुए का घोल। तो चलो मैं इसमें पहले पुए बनाऊंगी, फीके पुए। कुछ खाना मैंने बना लिया, जैसे कढ़ी वगैरह सब्जी जो होती है, दो सब्जी बनाई है ज़्यादा नहीं। तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या क्या बनाया है मैंने, और नहा लिया और सूर्य देवता को अर्घ भी दे दिया है। अब मैं होंगी तैयार, 4 बज गए, 4 बज के कुछ मिनट हो गए, और मैं यूज करूंगी क्या क्या, तो मैंने सारा निकाल लिया है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ मेकअप है मेरा जो मैं यूज करूंगी, ये है नैन पेंट, इसको लगाऊंगी। ये है मेरी ज्वेलरी, ये है मेरी चूड़ियाँ, और ये है मेरी साड़ी जिसको मैं पहनूंगी। तो मैं फटाफट हो जाती हूँ रेडी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे से ना साड़ी नहीं बन रही यार, दुखी हो गई मैं इससे। मेरे को ना बनारसी साड़ी कम ही पसंद है इसलिए, क्योंकि मैं बांध ही नहीं पाती हूँ, डफर हूँ मैं। अभी मैं पूरा लुक दिखाऊंगी आपको, पहले पूजा कर लेते हैं, ठीक है। तो पूजा कैसे करते हैं हमारे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो अब मैं माता रानी की चौकी सजाऊंगी भाई, जैसे अपने रीति रिवाज होते, पर मेरे साथ हमेशा ये होता है, चाहे जन्माष्टमी सही चाहे कोई और पूजा सही, मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, और वो ही मेरे साथ आज भी हुआ। बच्चों के साथ पता है ना क्या, मतलब कहीं भी दिमाग चला जाता है, प्रॉपर अपनी पूजा नहीं हो पाती है। तो आई एम सो सॉरी चौक माता, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई थी यहाँ पर रखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर मैंने चौकी भी आज ही बनवाई, जो मेरी पुरानी वाली थी ना, वो पता नहीं मिल ही नहीं रही थी, कहाँ गई। तो कहते हैं या गुलाबी या रेड कपड़ा बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं कलावा वगैरह जो मैं अर्क दूँगी चंद्र माँ को, उसमें कलावा वगैरह बांध रही हूँ, इसमें जल भर दिया और एक सिक्का डाल देते हैं हमारे, और ऊपर चावल मिठाई जो भी रखना होता है वो रखते हैं, कहते हैं खाली नहीं छोड़ते हैं। और तो यहाँ पे एक गिलास लिया, इसमें भी चावल रखे हैं, गेहूँ वैसे रखते हैं, पर यहाँ पे गेहूँ मिलना पॉसिबल नहीं था तो मैंने चावल ही रखे। चावल में जो भी अपने पैसा दान दक्षिणा रखना चाहते हो तो वो यहाँ पे मैंने स्वास्त्र बनाया रोली से, और गेहूँ निर्मल जो भी चीज़ें रखते हैं तो मैं भूल गई थी, तो मैंने बाद में फिर मतलब रखे 2-4 दाने, फिर सारी चीज़ें स्थापित की। वैसे तो कहते पहले करनी चाहिए पर यार भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 प्रकार के फूल मंगाए हैं, कहते हैं चौथ माता के व्रत जो होता है करवा चौथ का, इसमें 4 तरीका के फूल, 4 तरीका के फल और 4 तरीका का पकवान, इस तरीका से कुछ चढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 प्रकार के फूल मंगाए, फूलों की कमी नहीं है, फूल तो मिल जाते हैं, फूलों की टेंशन नहीं है। बट टेंशन क्या थी कि बस अच्छे से हो जाए। और आप लोग को मैं बताऊँ, यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा है, और ये थोड़ा सा मेकअप का सामान है क्योंकि रास्ते में टूट फूट जाता है। और दीदी के लिए मैंने साड़ी नहीं ली है, साड़ी मैं घर जाके ही लूँगी, वहाँ पे सही अच्छी साड़ी कम प्राइस में मिल जाती है, और यहाँ पे थोड़ी महंगी पड़ती है इसलिए मैंने साड़ी नहीं ली। तो यहाँ पे मैं चौक माता को टीका करी, कहते हैं पहले तो गणेश भगवान जी को करना चाहिए, तो मैंने पहले गणेश भगवान जी को कर दिया। कई लोग यहाँ पे गणेश भगवान जी का भी व्रत रखते हैं आज के दिन, तो यहाँ पे मैंने धूप बत्ती भी कर दी है। और यहाँ पे मैं फिर अब
थोड़ा सा मीठे में जलेबी थी और मैंने मीठे पुए भी बनाए थे। तो आप लोग पूरा देखिएगा मैं किस तरीक़ा से पूजा वगैरह करती हूँ और आप लोग कैसे करते हैं वो भी बताइएगा। कार्तिक पक्ष की चतुर को करवा चौथ कहते हैं, जिसमें गणेश जी का पूजन करके उसे उन्हें पूजन दान के प्रसन्न किया जाता है, जिसका विधान। तो यहाँ पे मैंने कथा पढ़ना शुरू कर दिया है, आप लोगों को थोड़ी सी मैंने क्लिप सुनाई हुई थी। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से कथा पढ़ने का समय था 6 से 7, कुछ मैंने सुना था और देखा हुई था एक दो वीडियो, पर प्रॉपर टाइम पे मुश्किल ही हो पाता है, पर मेरे साथ इस बार तो हो गया था, पिछली बार नहीं हो पाया था। क्योंकि प्रॉपर टाइम से कहते हैं कथा पढ़नी चाहिए, तभी हमारा व्रत लगता है, वरना नहीं लगता है। पर कई चीज़ें छूट ही जाती हैं यार, किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। और मेरी गुड़िया जब से मम्मी के घर से जैसे मैं आई हूँ, उस टाइम से गुड़िया रानी मेरी बिल्कुल ही मतलब चुप भी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही है। तो इसके वजह से और ज़्यादा मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कथा पढ़ लेती हूँ, फटाफट मिलती हूँ फिर आप लोगों से। कथा तो समाप्त हो गई, फिर यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ, पहले गणेश भगवान की फिर चौथ माता की, क्योंकि जितना मुझे पता है उतना मैं करती हूँ। वैसे तो मैंने आज तक ना घर में पूछा है किस तरीक़ा से पूजा की जाती है, और ना मैंने अपने घर के रीति रिवाज देखे हैं। आप लोगों को पता ही है कि मैं बाहर रहती हूँ और यहाँ पे भी कोई ऐसा है नहीं आसपास में, जैसे आसपास में होगा भी उसके भी अपने अलग रीति रिवाज होते हैं। तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के दिल से जैसे कर लो, सब अच्छा होता है, दिल से करना चाहिए। तो आपसे मिलती हूँ फेस टू फेस। पूजा भी कर ली है और यहाँ पे चांद का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं निकला है, 8:30 बज चुके हैं। गुड़िया रानी को भी नींद नहीं आ रही है हमारी गुड़िया रानी। हाँ हेलो कर दीजिए, हेलो ये नहीं कर रही, हेलो। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ कितने कितने बजे चांद निकला? हमारे यहाँ तो अभी निकला नहीं है, 8:30 बज चुके हैं और खाना वाना सब रेडी है, बस पूजा चांद की करने को रेडी है यहाँ पे। तो ये मेरा व्लॉग आपको 2 में मिलेगा, 1 में नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए। तो यहाँ वेट कर रहे हैं बैठे बैठे, बोर हो रही हूँ थोड़ा, और इस वाली साड़ी में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है इसलिए और ज़्यादा। देखो ये हमारी माला तोड़ेंगी, ये चक्कर में पड़ गई, मम्मा ने आज क्या क्या पहना है चक्कर में पड़ गई है। तो आप लोग बताइए मेरा लुक कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। मेरे आँख में ना गुआई निकल आई है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसी में ध्यान है। मुझे कुछ अच्छा लगा या ना लगा, मुझे अपनी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत सूखी सूखी है, ऐसी नहीं है, चिपचिपी सी नहीं है, बहुत मतलब अच्छी लगी, कलर भी अच्छा है। कितने बजे तक चांद निकलेगा? अच्छा मुझे नहीं आ रहा, प्यास लग रही है। अरे यार ऐसे मत बोलो, 10 बजे कि डैडी अच्छे मत बोलो, प्यास लग रही है मुझे, कि मुझे नहीं मम्मा को। जब तक हम नहीं सोएंगे तब तक इन दोनों को नींद नहीं आएगी। देखो आधी रोटी खाई है प्रियम ने, मतलब सबके यहाँ अलग अलग होता है, हमारे यहाँ थोड़ा अलग है, कच्चा खाना भी बनता है, पक्का खाना भी बनता है, और पूजा भी कई लोगों की अलग अलग है। तो भाई मेरे यहाँ जैसी होती है कुछ मुझे पता भी नहीं है, जैसे मुझे आता है वैसे मैंने कर लिया।